शरद पवार का सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा छठे हुए अपराधियों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं सीएम, जिनके कंधे पर है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। नोटबंदी को लेकर शिवसेना ने सामना में पीएम मोदी पर साधा निशाना, फैसले को बताया पानी का बुलबुला जो 3 महीने में फूटा। बीजेपी नेता और मंत्री विनोद तावड़े ने कहा 50 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच हो गई है सेटिंग, दोनों ने एक दूसरे को दिया वैलेंटाइन गिफ्ट। तावड़े ने कहा 50 सीटों पर दोनों ने एक दूसरे के पक्ष में अपने अपने उम्मीदवार बिठा लिए, जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश, फिल्म का हिस्सा होने पर खड़ा होना जरूरी नहीं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को दी चुनौती, कहा अपनी संपत्ति करें सार्वजनिक। किरीट सोमैया ने उद्धव पर लगाया आरोप, ठाकरे की 7 कंपनियों में से 2 कंपनियों ने छगन भुजबल की कंपनियों में किया निवेश। मुंबई में वैलेंटाइन डे पर चढ़ा सियासी रंग, शिवाजी पार्क में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बनाया सेल्फी पॉइंट। मुंबई में 5 घरों पर गिरा इमली का पुराना पेड़, हादसे में 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के पीपरी गांव में एक कुत्ते के सिर में फंसा घड़ा, पानी पीने के दौरान आई मुसीबत। कुत्ते को परेशानी में देखकर लोगों ने काटा प्लास्टिक का घड़ा, मुसीबत से दिलाई निजात। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सांसद आदर्श ग्राम योजना में एक और गांव गोद लिया, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद के दोंजा गांव को गोद लिया। ढाई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर, 5.25% हुआ जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक। इस साल देश की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान, इंडिया रेटिंग्स का दावा अगले साल के लिए 7.4% विकास दर की उम्मीद। इस साल जनवरी में ऑनलाइन नियुक्तियों में 11% की बढ़ोतरी, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़े नई नौकरियों के मौके। बारह अंक गंवाकर 28,339 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 12 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,792 पर बंद। सोने की कीमतों में 300 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,650 रुपए। चांदी की कीमतों में भी दर्ज की गई 100 रुपए प्रति किलो की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 42,900 रुपए। तीसरी तिमाही में 96.2% लुढ़ककर 112 करोड़ हुआ टाटा मोटर्स का मुनाफा, 2015 में कंपनी की आय थी करीब 3,000 करोड़। मथुरा में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का विरोध, फिल्म का नाम बदलने की मांग। दिव्या दत्ता को नहीं पसंद है नेगेटिव रोल पर फिल्म, इरादा के लिए निकली अपनी कंफर्ट जोन से बाहर, इस हफ्ते रिलीज होगी फिल्म। फिल्म बादशाहों की शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे इमरान हाशमी, ट्वीट कर लिखा आवारापन के 10 साल बाद फिल्म बादशाहों की शूटिंग के लिए जैसलमेर में।